आवश्यकता है, ऐसा गृह विभाग ने भी जानकारी दी और पुलिस विभाग ने भी ये जानकारी दी। जो मानते हैं इसका पैसा वित्त विभाग द्वारा दिया गया था, पूरा नहीं दिया गया था, वो पैसा कम पड़ गया है क्योंकि पुलिस विभाग के पास पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि ड्यूटी से हटा दिया जाए। कोशिश सब लोग हम लोग कर रहे हैं, मेरा हमारा विभाग भी कोशिश कर रहा है कि इनको बरकरार रखा जाए और इनकी सेवाएं तो चालू रहेंगी, लेकिन ड्यूटी जो है वो ड्यूटी से इनको हटाया नहीं जाए। माने सेवाएं तो चलती रहेंगी, सेवाएं से भी कम कर दी गई कि 15 दिन दिया जाएगा ड्यूटी जो है वो, क्योंकि धन कम पड़ रहा है पुलिस विभाग के पास, उन्होंने वित्त विभाग से धन मांगा है, उन्होंने धन मांगा है और वो प्रक्रिया भैया पूरा जवाब दे देगा, हम आपको सुन लेंगे। तो उसके बाद आज शाम को भैया क्यों लड़ रहे हैं आप, जवाब हम सुन रहे हैं, एक एक का जवाब दे देंगे भैया, कोई छुपाने वाला कुछ है ही नहीं यहाँ पे, या क्या छुपाने के लिए है, कुछ भी छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ हमारा प्रयत्न लगातार चल रहा है इनको ड्यूटी दिलाने का, हम नहीं चाहते इनमें से कोई भी वो गार्ड जो 25,000 जो पुलिस में लगे हुए हैं वो बेरोजगार या ड्यूटी से अलग हो, बेरोजगार नहीं ड्यूटी से अलग हो, हमारी कोशिश लगातार ये चल रही है। शाम को मैंने मुख्यमंत्री बिजी हैं व्यस्त हैं, ये जानकारी आज उन तक पहुँचा दी जाएगी, काफ़ी जानकारी उन तक पहुँच गई है और अब निर्णय उन्होंने लेना है, अंतिम निर्णय उनका ही है। ये मेरा सवाल ये है, ये जो गफलत हुई है, जो चिट्ठी आपके एडीजी जोगदंड मिस्टर जोगदंड की चिट्ठी गई है, उससे जो गफलत हुई है, 15 दिन जो देश भर में चला है कि आपने लोगों के त्योहार खराब किया, सरकार ने ये किया, इस सब के बाद अब ये आप या तो अभी भी स्थिति साफ कर पा रहे हैं या अभी भी गफलत बरकरार है? गफलत कुछ भी नहीं है, देखिए वित्त विभाग ने पुलिस विभाग को बजट देने से इनकार कर दिया, इसलिए पुलिस विभाग ने इन लोगों को जो 25,000 हैं उनको ड्यूटी से हटा दिया। पुलिस विभाग ने पूरे वर्ष का बजट मांगा था, पूरे वर्ष का बजट नहीं दिया गया था, उनको थोड़ा कम दिया गया और जब उनका